For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म आखिरकार आज रिलीज हो ही गई। फिल्म दर्शकों को पसंद भी आ रही है। कुछ क्रिटिक्स ने इसे संजय लीला भंसाली की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है। साथ ही ये भी कहा गया कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने जबरदस्त एक्टिंग कर दर्शकों को दिल जीत लिया है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के सवालों का जवाब भी दिया। एक फैन ने पूछा कि आपके लिए फिल्म में सबसे ज्यादा मुश्किल था क्या, जिसके जवाब में दीपिका ने बताया कि जौहर का सीन करना ये मेरे लिए सबसे स्पेशल और चैलेंजिंग भी था। ऐसा सीन को शूट करना पूरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। राजपूत महिलाओं के ग्रुप के साथ जलती आग की ओर और जौहर के लिए बढ़ना ये सब रोमांचित करने वाला था। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार की चर्चा चारों ओर है। नेगेटिव रोल में खिलजी का किरदार हिंदी सिनेमा में अब तक का ऐतिहासिक रोल है। इस रोल के लिए रणवीर ने एक लेटर लिखकर संजय लीला भंसाली का शुक्रिया भी अदा किया। बता दें कि पद्मावत तमाम विरोध और प्रदर्शन के बाद आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा के साथ ये फिल्म देश भर के 7,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। फिल्म का विरोध कर रही करणी सेना ने आज विरोध के चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा के सिनेमाघरों मालिकों ने ये फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया है। For more Bollywood and telegossips, please subscribe to our channel Top News Just for You. Top News se Ravi ki report. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.